नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट की है उसको हम देखेंगे। तो मैंने इस जजमेंट को पढ़ लिया है और मैंने रेलिवेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो अंडरलाइन कर लिए हैं। तो इसमें जो जज साहब हैं, पहली बात तो शी इज़ अ वेकेशन जज, और वेकेशन जज जनरली ऐसे सेंसिटिव मैटर में, ऐसे कंट्रोवर्शियल मैटर्स में बेल ग्रांट नहीं देते हैं, बट शी हैज़ यू नो हैज़ टेकन अ बोल्ड डिसीजन एंड ग्रांटेड बेल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट, विच हैज़ बिन ड्यूली चैलेंज बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट ऑल्सो। हाई कोर्ट के जजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज हम देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने बेल ऑर्डर यू नो how did she come to conclusion that Arvind Kejriwal deserved bail, right? तो हम contentions parties की नहीं देखेंगे, we will straight away come to the conclusion, right? So paragraph 16 of this judgment, which actually deals with the you know findings of the court. तो court कहता है कि बहुत सारे बल्कि documents citations यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की तरफ से फाइल की गई हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ही ईडी चाहती है कि केजरीवाल को बेल ना मिले और केजरीवाल चाहते हैं कि यू नो ही इज़ ग्रांटेड बेल एंड ही गेट्स आउट ऑफ द जेल। तो दोनों ही पार्टीज़ यहाँ अपने अपने पक्ष में बल्कि डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी जजमेंट्स कोर्ट की यू नो एज अ प्रेसिडेंट पेश करते हैं अपने अपने पक्ष में, लेकिन कोर्ट स्ट्रेट अवे एट दी आउटसेट ये कह देता है कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा कोर्ट ने, एंड द जजमेंट इज़ पास्ड विदाउट गोइंग थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स, राइट। उसके बाद जो जज हैं वो कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ट्रायल कोर्ट्स को एनकरेज करा है कि वो बेल में यू नो जजमेंट दें, और यू नो आप देखते होंगे कि जो ज़्यादा सेंसिटिव मैटर या जो ज़्यादा यू नो कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर होते हैं वहाँ ट्रायल कोर्ट्स जनरली बेल नहीं देते हैं, बट वो कहती हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें मोटिवेट करा है तो हम शी हैज़ ग्रांटेड बेल, राइट। शी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द चीफ जस्टिस स्टेटमेंट विच शी हैज़ गिवन इन यू नो सम रिसेंटली इन सम फंक्शन, राइट, CBI डे के जो फंक्शन में उन्होंने बोला उससे वो इंस्पिरेशन लेती हैं और वो बेल की जजमेंट देती हैं। अब यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ट्रायल कोर्ट के लिए कहा था, बट मैडम फॉरगॉट दैट शी इज़ नॉट द ट्रायल जज, शी इज़ अ वेकेशन जज। एनी हाउ लेट अस सी हाउ इज शी कम टू दिस कंक्लूजन ऑफ ग्रांटिंग बेल। सो आई विल यू नो ओनली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ पैराग्राफ 23 सेज इट इज़ रिइटरेटेड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड इंसिडेंट एंड एप्लीकेंट एंड द सेम कैनॉट बी डिनाइड बाई दिस कोर्ट। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी अरविंद केजरीवाल को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो यू नो हु इज़ अ हैबिचुअल ऑफेंडर और या जो समाज के लिए किसी तरह का खतरा हो, एंड तो कोर्ट ने इस ट्रायल कोर्ट ने उनके क्लीन इंसिडेंट्स को और उनकी किसी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट ना होने को, और यू नो ही इज़ अ पब्लिक फिगर, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिस कोर्ट कैनॉट ऑल्सो इग्नोर दीज फैक्ट विच वॉज कंसिडर्ड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दी इंटरिम बेल एप्लीकेशन। उसके बाद कोर्ट जब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात आती है, ईडी इज़ टेकिंग प्ली दैट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग इन द मैटर एंड देर इज़ लाइकलीहुड दैट एप्लीकेंट मे इन्फ्लुएंस द विटनेस एंड टेम्पर विद एविडेंस। अब उसके बाद कोर्ट ओरल इंक्वायरी करती है, तो आईओ कोर्ट आईओ इन्फॉर्म्ड अबाउट द टोटल अलेज्ड अमाउंट टू बी 100 करोड़। 100 करोड़ की बताते हैं कि 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जिसमें से 40 करोड़ ट्रेस्ड हो गए और 60 करोड़ अभी तक ट्रेस ही नहीं हुई। तो ईडी से जब कोर्ट ने पूछा कि भैया आपको कितना टाइम चाहिए इसको मनी ट्रेल को कंसिडर करने के लिए, कितने दिन में आप मनी ट्रेल को यू नो कम्प्लीट कर लेंगे, तो उसका कोई क्लियर कट जवाब वो नहीं दे पाई, मीनिंग देयर बाय दैट अनटिल अनलेस दिस एक्सरसाइज ऑफ ट्रेसिंग आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट गेटिंग कंप्लीटेड बाई ईडी एक्यूज इज सपोज टू रिमाइंड बिहाइंड बार दैट टू विदाउट प्रॉपर एविडेंस अगेंस्ट हिम।
So this is not acceptable to the this is not an acceptable submission of ED, right? उसके बाद कोर्ट कहता है पैराग्राफ 26 में, दिस इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट ईडी इज साइलेंट अबाउट द फैक्ट एज टू हाउ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैज बीन यूटिलाइज इन असेंबली इलेक्शन एट गोवा बाय आप एज एडमिटेडली आफ्टर टू ईयर्स द बिगर पोर्शन ऑफ अलेज्ड अमाउंट रिमेन्ड टू बी ट्रेस्ड आउट. यानी कि ईडी की एलिगेशन ये है कि ये जो 100 करोड़ रुपया है ये अरविंद केजरीवाल ने गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया और इसमें से 60 करोड़ की अमाउंट है वो अभी तक ट्रेस ही नहीं हुई. तो कोर्ट कहता है कि पता नहीं ईडी इस यू नो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि असेंबली इलेक्शन में आप पार्टी ने ये पैसा इस्तेमाल किया है. उसके बाद कोर्ट कहता है कि कुछ अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं जो कि एप्लीकेंट के बिहाफ पे, जिसमें वो कहते हैं कि जुलाई 2022 से द मटेरियल वाज अवेलेबल विद ईडी अगेंस्ट द एक्यूज्ड और उसको समन करा कोर्ट ने अगस्त 2023 में, यानी एक साल एक महीने बाद, 13 महीने बाद, विच शोज दैट ई मालाफाइड ऑफ ईडी एंड ईडी हैज फेल्ड टू आंसर द ऑब्जेक्शन ऑफ एप्लीकेंट. उसके बाद जो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जजमेंट का, जो लर्नेड सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो एक ऐसी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि विच आई थिंक इज नॉट इवन यू नो किसी वकील को ऐसी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने तो नहीं देनी चाहिए, बट एनी हाउ ही हैज गिवन. सो लेट अस सी व्हाट द आर्ग्यूमेंट ही हैज गिवन. लर्नेड एएसजी ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ईडी वेयर बाय मेकिंग सबमिशन दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ अप्रूवर्स दैट इन्वेस्टिगेशन इज एन आर्ट. समटाइम्स वन एक्यूज इज गिवन अ लॉलीपॉप ऑफ वेल एंड पार्डन एंड इंड्यूस्ड विद सम अश्योरेंस टू मेक देम टेल द स्टोरी बिहाइंड द ऑफेंस. तो ये जो ईडी के वकील साहब हैं वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक आर्ट है और कई बार हमें किसी एक्यूज को एक लॉलीपॉप देनी पड़ती है बेल की या पार्डन की और उसे इंड्यूस किया जाता है कि आप जो है पूरे केस की स्टोरी बताइए. नाउ कोर्ट हैज़ यू नो टेकन दिस वेरी सीरियसली. तो कोर्ट ने कहा द कोर्ट हैज़ टू टेक अ पॉज टू कंसिडर द आर्ग्यूमेंट विच इज़ नॉट अ पोर्टेबल सबमिशन दैट इन्वेस्टिगेशन इज एन आर्ट बिकॉज इफ इट इज सो देन एनी पर्सन कैन बी इम्प्लीकेटेड एंड केप्ट बिहाइंड द बार बाय आर्टिस्टिकली प्रोक्योरिंग द मटेरियल अगेंस्ट हिम आफ्टर आर्टिस्टिकली अवॉइडिंग विड्रॉइंग एक्सकल्पेटरी मटेरियल फ्रॉम द रिकॉर्ड. दिस वेरी सिनेरियो कॉन्स्ट्रेन द कोर्ट टू ड्रॉ एन इन्फ्लुएंस दैट अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इट इज़ नॉट एक्टिंग विदाउट बायस. यानी कोर्ट कहता है कि ये जो सबमिशन ईडी ने दी है कि ये एक आर्ट है और ये लॉलीपॉप देना पड़ता है पार्डन का और बेल का ताकि जो अप्रूवर्स हैं या जो जिन एक्यूज को माफ़ी दी जा रही है वो पूरी कहानी बताएं. तो कोर्ट कहता है ऐसे तो आप किसी को भी झूठा फंसा सकते हैं अपनी आर्टिस्टिक कला का इस्तेमाल करके, राइट. और इससे हम इस कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर. उसके बाद कोर्ट कहता है कि ये इन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं विजय नायर और ये जो चरणजीत सिंह, ये इन लोगों ने इसको अरविंद केजरीवाल को बेनिफिट पहुंचाया. यू नो कोई कि गोवा में 7-स्टार होटल में उसके उनका इंतज़ाम किया और ये भी कहा कि कैलाश गहलोत के घर में विजय नायर रुका. बट कोर्ट कहता है कि इन सब चीज़ों का कोई यू नो ईडी हैज़ नॉट गिवन सम क्रेडिबल प्रूफ कि ये अरविंद केजरीवाल से कैसे कनेक्टेड है. उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस एप्लीकेंट के अगेंस्ट नहीं दिया गया है जो कि ये दिखाए कि ये जो यू नो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उनका कोई स्पेसिफिक रोल या इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं ट्रायल कोर्ट को वेकेशन कोर्ट को नज़र आई. उसके बाद कोर्ट कहता है ईडी इज साइलेंट ऑन सर्टेन इश्यूज रेज्ड बाय एप्लीकेंट सच एज ही हैज़ नॉट बीन नेम्ड आइदर इन सीबीआई केस और इन दी ईसीआईआर केस इन सीआईआर एफआईआर, राइट. दूसरी बात सीबीआई वाले केस में भी नाम नहीं और ईडी वाले केस में भी उनका नाम नहीं है. सेकेंडली द
The allegation against the applicant has been surfaced after the subsequent statement of certain co-accused. Thirdly, there is also admitted fact that accused has not been summoned by the court till date. आज तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट का समन नहीं आया एंड ही इज लाइंग इन जुडिशियल कस्टडी एट द इंस्टेंस ऑफ आईओ ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीइंग स्टिल गोइंग ऑन राइट. तो इससे मतलब कोर्ट बेसिकली ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट मालाफाइडली यू नो इन्वॉल्व है और वो किसी तरीके से उसे बस जेल में रखना चाहती है. ED has not shown anything on record that Vijay Nair was acting upon the direction of Arvind Kejriwal. And he has also failed to establish that even if Vinod Chauhan has close relation with Charan Preet, how come the same going to help ED to establish the guilt of applicant? Even if the applicant is having acquittance with both the co-accused, ED has also failed to clarify as to how come the conclusion that sum of rupees 1 crore अटैच्ड फ्रॉम विनोद कुमार वॉज पार्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. यानी कि कोर्ट कहता है कि भाई आप विनोद चौहान को अगर मैं जानता भी हूँ और वो दोनों को एक्यूज भी हैं तो भी आप मेरे को कैसे उनसे रिलेटेड दिखा रहे हैं और या फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मेरी डायरेक्शन पे काम कर रहे थे यानी चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे काम कर रहे थे. इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1,00,000 के बेल बॉन्ड पे बेल ग्रांट कर दी और उनको फिर फॉरेन ना जाने की इजाज़त नहीं है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेजेंट रहेंगे. कोई टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं करेंगे. ही विल नॉट इंटरेक्ट विद एनी ऑफ द विटनेस राइट. तो ये सब इन ग्राउंड्स पे अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट की गई है. उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.